हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे आप सब लोग आ रहे हैं? आज इस ड्रेस में मैं मोटी लग रही हूँ। मेरे दोस्तों की कहावत सच होगी कि मोटी कहेंगे, बट मैं मोटी नहीं उस ड्रेस में लग रही हूँ। और ये ड्रेस मैंने लिया था चंपावत से, और मैं 4 किलोमीटर मार्केट पैदल जाती थी अपने दोस्तों से। तो वहाँ पर मेरी जॉब बड़ी मस्त थी और एकदम बिंदास मजे करते थे। उस टाइम अपने उनके पास पैसा बहुत था, तो हमने भी उड़ा लिया थोड़ी बहुत, और 650 रुपये में इस ड्रेस को बना लिया अपना, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और ऐसा ही मेरे पास है एक पिंक कलर का भी, वो आपको आगे ब्लॉग में दिख जाएगा कि। और आज आप सोचोगे मैं इतनी बढ़िया सी क्यों लग रही हूँ। तो मेरे बालों की हो रही है धीरे धीरे ग्रोथ, और जल्दी से मेरे बाल पहले जैसे बालों में तब्दील हो जाए तो मज़ा ही आ जाए यार। आज की मॉर्निंग की शुरुआत बढ़िया सी चाय के साथ, और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए बढ़िया सी दूध वाली चाय। और ये देखो चाय हमारी बन गई है यहाँ पे। ये हो गया मॉर्निंग का हल्का फुल्का स्नैक। इतनी बड़ी बड़ी धूप आ रही है ना, तो धूप के साथ ये चाय पीने का मज़ा ही अलग है। वैसे टाइम 10 बज गए, पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं यार, खाने पीने सोने का कोई टाइम नहीं होता, ठीक है? और चाय बन खा लेते हैं। लाजवाब मजा आ गई। और कौन कौन ऐसे ही चाय के साथ अतरंगी सतरंगी चीज़ खाता है कि भाई हम लोग तो हैं गढ़वाली, ठीक है? हम तो शर्माते नहीं, हम तो कुछ भी खा लेते हैं और मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और धूप देख रहे हो कितनी मस्त आ रही है बाहर से, एकदम बढ़िया धूप आ रही है, टका टक टना टन धूप। तो जल्दी से मैं फिनिश कर लेती इधर बोला हेलो। देखो गाइस, हमारे नन्नू जी ने भी सुबह सुबह आपको हेलो बोल दिए, और ये जस्ट अभी हमारे साथ ही सो के उठे, ठीक है? सो के उठने के बाद ये हमें इतना परेशान कर रहा है, कुछ काम करने दे रहा नहीं, और अभी इसने हमारे साथ ना बन खा लिया, इसने हमारे सारे बन छीने, पिगड़ू बच्चे ने। पहन रही हूँ अपने पिताश्री के सॉक्स, जो कि बहुत बड़े हैं, अभी दिखाती हूँ आपको कहाँ तक आएंगे। और वाओ, दानव जैसे बाल देखो मेरे पैर में। कोई बात नहीं, चलता है इतना तो, ये तो जिंदगी है, होते रहता है। ये देखो लॉन्ग लॉन्ग सॉक्स मैंने पहन लिया अपने पिताजी के, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड ब्लैक कलर इज माई ऑल टाइम फेवरेट। कोई गढ़वाली को जाने आने जाने, पर गढ़वाली ना अपने आप में ऐसी छाप छोड़ देते ना कि वो जान ही जाते हैं। ये देखो जरा, ऐसे ये होता है गढ़वाली का स्टाइल। और ये इसमें पराठा भी मिक्स कर रखा है, ठीक है? और ये जो मैंने आपको दिखाया था शगुन, अब वो इतना सारा शगुन होके वो इतना से रह गया है, अरसा बचा है। और ये बालू शाही बची है दो, और ये बेचारे इक्के दुक्के शक्कर पारे इनके बीच पीस गए हैं, सारा मिक्स कर रखा है। तुमने बताया नहीं, ये देखो जरा, मतलब जो बड़ी बहनें होती है ना, वो समझती है घर की राजमाता हूँ मैं बस, है ना? तो ऐसा फैला रखा है जैसे ये जा रही होगी विश्व युद्ध के लिए। तो ये तैयारी चल रही है हमारे दिन के खाने के। और ये तो लहसुन के कवाड़ है, ये लहसुन इसमें शॉर्टकट काम कर दिया, सीधा इसमें डाल दिया छिलके। ये टोकरी भी पूरी आ गई यहाँ पे साक्षात, जबकि जरूरत एक दो की थी। यहाँ पे टमाटर कट गए, प्याज कट गया, धनिया आ जाएगा। ये देखो राजमाता यहाँ पे अपनी चाय ब्लैक टी लेके बैठी है। और भाई साहब, ये धनिया लगा है हमारे घर पे, इसलिए हम इसे ज्यादा मात्रा में डाले। घर का धनिया का तो मजा ही अलग है। देखो जरा, पूरी दाल धनिया धनिया दिया। ओ, ओ, ओ। सब खा ली है, उससे पहले मैं कर लेती हूँ उसका शुभारंभ। और परंपरा है ये, तो जब भी राजमा की दाल बने तो पहले कटोरी में लेके टेस्ट कर लो, ठीक है? ले लेते हैं हम, दाल ज्यादा चाहिए भाई अपने को तो। हमारे गढ़वाली में लेते नहीं है चम्मच, चम्मच चम्मच होती है गलत बात, तो टेस्ट करते हैं। आय हाय, दाल बड़ी टेस्टी लग रही है यार। हाँ, उसमें धनिया का टेस्ट आ रहा है यार, लाजवाब मजा ही आ गया। मजा तो तब आएगा जब भात के साथ खाएंगे। आए है, क्या बनाई है रे राजमाता, तूने दाल एक नंबर बनाई है रे। आप भी खा लो अपने घर के पेड़ से फ्रेश फ्रेश नींबू, जो कि हम राजमा के दाल के साथ खाने वाले हैं, और मज़ा ही आने वाला आज बहुत सारे। देखो जरा कितने बढ़िया बढ़िया एकदम हरे भरे नींबू लगे पड़े हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। खा लेते हैं राजमा, बहुत भूख लगी है, इसके साथ नींबू और मिर्ची, और मज़ा ही अलग आएगा। और जल्दी से मैं खा लेती हूँ, फिर जाके आपको मिलती हूँ, ठीक है? तो तुम्हें दिखा दूं आउटफिट ऑफ द डे, मेरे बालू जैसे कपड़े, ये देखो भाई साहब, ये देखो। और दूसरा ये देखो, सबको हेलो, गली वाले बोल रहे पागल हो गई है मोटी, पर कोई नहीं भाई साहब, तुम्हें तो दिखाने को बनता है ना। मस्त ड्रेस है, जब अच्छी ड्रेस होती तभी तो दिखाई जाती है, गंदी ड्रेस थोड़ा दिखाई जाती है। वो भाई साहब गंदा हो गए, अरे मिट्टी वाले आते हैं ना, मिट्टी में बैठी थी, यहाँ पे गिल्ला गिल्ला हो रहा था। ये देखो मेरा फैशन, ये देखो मेरे स्टाइल। भालू बन के अपने भालू वाले ड्रेस के साथ बाहर घूम रही थी, तो हमारे आगे नन्नू जी, मेरी जान, मेरी शुन्नू मुन्नू, कहाँ जा रहे हैं आप? इसको चाहिए भाई साहब गिलहरियाँ, ये है गिलहरियों का दीवाना। और ऐसा नहीं कि इसको प्यार व्यार हो गिलहरियों से, इसे खानी होती है गिलहरियाँ, अपने पेट पूजा करनी होती है गिलहरियों से। कहाँ जा रहे हैं पहले मुझे ये बताओ।
बिच्ची को बताओ कहाँ जा रही हो मेरी बच्ची। हेलो कर दो सबको हेलो, जैसे आप हल्ला मचाती हो हर व्लॉग में, बोलो हेलो। भाई साहब अभी मूड नहीं है, अभी ऐसे पोजीशन इसलिए बना रखी है कि गिलहरी को झपट्टा मार सकूँ, है ना। मैं बैठ जाऊँ आपके साथ? बैठ जाते हैं यार, नन्नू बात करते हैं यार, कुछ डिस्कस करें इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि कैसे हम रोजगार बने। भाई साहब बेरोजगार है तू भी और मैं भी, तो कुछ करते हैं यार, अपनी जिंदगी संवारे हम। गलत बात है मेरे बच्ची, जमान लड़ाएगा तू अपनी माँ से हैं? जमान लड़ाएगा मतलब? बिस्कुट रखे बेटा, बिस्कुट खा लो। वो बीमार आदमी के बंद है बेटा, वो बीमार आदमी के, बीमार आदमी खाएगा यार उसको। तो ये खा, ये खा, तेरे लिए एक बिस्कुट है यार, महंगा महंगी चीज़ रखी हो, 10 रुपये वाली चीज़ है ये, 20 रुपये वाली चीज़ है, खा ले ये खा यार। तो गुड, इसमें नाक मारना अपनी, यहाँ ना। हाँ भाई मतलब सस्ती चीज़ें चाहिए तुझे, ये ले सस्ती चीज़ें खा ना, तब तुम मेरी गोदी में बैठे थे ठीक है। इसे मैंने बिस्किट निकाले और ये देंगे नन्नू जी को, ये देखो। ए ए खाने की तो फैक्ट्री है भाई साहब, कुछ भी दे दो यहाँ चलेगा, लो पकड़ो। गुड, आज मैंने इतने चक्कर मारे, इतने चक्कर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं मारे थे, और ये चक्कर इसलिए क्योंकि मेरे भाई की हो गई तबीयत ख़राब, तो उसके लिए कभी बन रस दवाई हलाना फलाना ढिमकलाना, हो वो जल्दी से ठीक हो जाए। और होप यू गाइस एंजॉय द व्लॉग, मिलते रहेंगे ऐसे नए नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।